ये दौर था 1947 का। भारत में बसा आज उत्तराखंड, लेकिन तब उत्तर प्रदेश का शहर गदरपुर, जो आज एक अवधारणा है उत्तराखंड में विकास की। यहीं पास में एक शहर है बाजपुर, जो गन्ने के खेतों और चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं चीनी मिलों में काम करने वाले एक साधारण से श्रमिक और किसान के घर 20 मई 1971 को जन्म हुआ राजनीति के इस उदीयमान सूर्य का, जिसे जनता के विश्वास एवं समर्थन ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय बनाया। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा करबद्ध मैं साधुवाद करता हूँ। बहुत छोटी उम्र से और अभाव में जीवन को जीते हुए आप सबके आशीर्वाद से विभिन्न राजनीतिक पदों पे आप लोगों ने मुझको बैठाया। कई टाइम से यह सड़क के लिए बड़ी भागदौड़ हो रही थी और आज इस सड़क को देख के हर आदमी इधर के तरफ आना चाह रहा है, हर आदमी देख रहा है। ये अपने शिक्षा मंत्री जी अरविंद पांडे जी ने इतनी मेहनत से बनवाई है कि पहले कभी ऐसी सड़क नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। बदहाल सड़कें अब कहानी हो चुकी हैं। एक ओर जहां सड़कों के जाल से गदरपुर बाजपुर तक पहुंचने की राह आसान हो गई, दूसरी ओर पक्की नालियों के जाल ने शहर को खूबसूरत बनाने में मदद की। वहीं सुना है कि अब यह सड़क घर घर जाती है। ये सरपट दौड़ती गाड़ियां आसानी से मंजिल पहुंच जाती हैं। इन रास्तों पर यह आरामदायक सुरक्षित सफर इसकी गुणवत्ता और बेहतरीन कार्यशैली की कहानी सुनाता है। किसी भी तरीके के काम से बाजार आना जाना इस सड़क से बहुत ही मुश्किल था और इस सड़क के आसरे से ही ये सब फैक्ट्रियाँ और कारखाने यहाँ पर लग रहे हैं। और इसी चीज़ का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे क्षेत्र की और हमारे गांव की जो है अरविंद कुमार पांडे जी ने सुनवाई करने के बाद और इस सड़क को बनाया है। मैं ग्राम श्याम नगर में रहती हूँ और हमारी दुकान गदरपुर उधम सिंह नगर में है। आज से पहले ये गदरपुर और गुलाबोज रोड जो है बहुत टूटी फूटी थी, इसमें बहुत से गड्ढे थे। आए दिन आवाजाही में हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि हमें अपने कपड़ों को साथ में लेके जाना पड़ता था ताकि रास्ते में गड्ढों के जो धूल मिट्टी का आती थी उससे हम लोग परेशान होते थे और हमारे कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते थे। और कई कई हादसे ऐसे होते थे कि आए दिन एक्सीडेंट होना और बच्चों को स्कूल में आने के लिए भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खेल महज खेल नहीं है हमारे लिए, खेल और हमारे खिलाड़ी हमारी आन बान शान है। ये पदक जीतकर हमें और हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें वो सभी सुविधाएं मिलें जो उन्हें खिलाड़ी से विजेता बनाने में मदद करें। उत्तराखंड के बच्चे ने, श्री मनोज सरकार ने उत्तराखंड का नाम विश्व में सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने पैरा ओलंपिक में, बैडमिंटन के खेल में कांस्य पदक जीता है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं उनको शुभकामना करता हूँ। इस काम को देख के हमारे प्रदेश के बच्चों में भी बहुत उत्साह है। वो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं। नौजवान बच्चे बेटियाँ यह सेना में जाना चाहती है, यह पुलिस में अफसर बनना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है। भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से हम भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे हमारे बच्चे खेल कूद कर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बने। हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए हम एक हाईटेक स्टेडियम बन चुका है, बहुत जल्दी उसका भी उद्घाटन होने वाला है। हमारे सकैनिया क्षेत्र, हमारे बच्चे हैं वहाँ, अभी आपने देखा होगा
गौरव नाम का, गौरव कांबोज, यह छोटा सा बच्चा SGFI के खेल में अंडर 19 कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत के आया है और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, मेरा वादा है आपसे, सकेनिया में भी बहुत अच्छा स्टेडियम बनना है, फाइनल होने वाला है, उस स्टेडियम में भी हम कुश्ती के लिए वहाँ के बच्चे जो कुश्ती में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम गौरव कंबोज है सर। सर हमारे यहाँ स्टेडियम बना, इसमें हमें बहुत ही खुशी हो रही है सर इसके, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस करते थे कभी खेत में करनी कभी कहीं, तो आज तक हमने देखा था स्टेडियम शहर में ही होते हैं, आज हमारे गांव में बन रहा है स्टेडियम। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पीछे एक स्टेडियम बना है जो कि ये सकेनिया गाँव में बना है, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर हम लोग लड़के जितने भी हैं बहुत दूर दूर जाते थे खेलने के लिए और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हमारे घर वाले भी हमें जाने के लिए इजाज़त नहीं देते थे लेकिन हम तब भी सोचते थे जाएं। लेकिन अब हमारे लोकल में ही एक पांडे जी ने, अरविंद पांडे जो कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने एक स्टेडियम बनाया है, इससे हमें हमारे सारे युवाओं को फ़ायदा मिला है और हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि यहाँ पे हम टाइकोंडो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और 400 मीटर का ट्रैक है जिस पर हम दौड़ सकते हैं, आर्मी की तैयारी कर सकते हैं और ये सब हमारे अरविंद पांडे जी की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होते यहाँ के विधायक और शिक्षा मंत्री तो ये सब नहीं हो पाता, तो इसलिए हम सब जने अरविंद पांडे जी के लिए दिल से शुक्रिया करेंगे। हमारे यहाँ जो भी लड़के खेलते थे ये सब खेतों में खेलते थे, धान गेहूं कटता था तो कुछ दिनों तक खेत खाली रहता था, एक दो महीने तक तो वहीं प्रैक्टिस होता था, वहीं खेलते थे और धान गेहूं लग जाए तो फिर कोई लड़का नहीं खेलता था। और अब हमारे माननीय अरविंद पांडे जी के द्वारा हमारे यहाँ स्टेडियम बना है, मिनी स्टेडियम बना है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है और मैं अरविंद पांडे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे अब तक के प्रयासों की एक झलक भर है GIC दिनेशपुर का मिनी स्टेडियम जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है और GIC सकेनिया का बहुउद्देशीय हॉल जल्द ही अपने खिलाड़ियों की सेवा में होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस कूला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बहुउद्देशीय हॉल खिलाड़ियों में आकर्षण का केंद्र है। खेमपुर एवं गदरपुर के क्रीड़ा हाल जनता को समर्पित होने के इंतजार में है। बालिका छात्रावास बन चुका है, सरकारी स्कूलों में CBSE बोर्ड की मान्यता दिलाने के पश्चात इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी जैसे प्राइवेट में होती है उससे बढ़िया गुणवत्ता की शिक्षा हमने राजकीय विद्यालयों में प्रारंभ कर दिया है। मैं राकेश चौहान, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गदरपुर प्रथम, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो अक्षत पात्र योजना इन गरीब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए चलाई है, इस योजना का लाभ इन बच्चों को मिलेगा, यह उनकी एक बहुत दूरगामी सोच है। माननीय मंत्री जी अरविंद पांडे जी के सहयोग से ये छात्रावास निवास बनवाया गया है जहाँ छात्राएं इंटर के बाद पढ़ नहीं पाती हैं, कुछ करना चाहती हैं, आगे कोई कोर्स करना चाहती हैं, कहीं काम करना चाहती हैं तो वो यहाँ रहकर कर सकती हैं। मंत्री जी के सहयोग से खाना पीना स्वास्थ्य की संबंधित सब चीज़ें उनको यहाँ उपलब्ध होंगी और मैं उनकी दीर्घ आयु की बहुत कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर बेसहारा बेघर परिवार तक घर की छत मुहैया कराने एवं इस कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपनी जनता के प्रति माननीय अरविंद पांडे जी की संवेदनशीलता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली का उदाहरण है। विषय है माननीय मंत्री जी का, अरविंद पांडे जी का। एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी के लिए कि गदरपुर का शहर का सौंदर्यीकरण जिसमें सबसे बड़ा काम हुआ गदरपुर में जो टाइलें लगाई गई हैं, जो नालियाँ बनाई गई हैं। मैं लगभग पिछले 20-22 सालों से व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, तब से आज तक का रिकॉर्ड है कि गदरपुर में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री जी ने यहाँ पर आके गदरपुर शहर की जो पटरी थी उसके ऊपर टाइलें लगवाई हूँ। आज आप देख सकते हैं कि शहर में धूल नाम मात्र भी नहीं है। इसके बाद हमारी व्यापार मंडल की एक और डिमांड थी उनके साथ कि शहर में चोरियां बहुत अधिक बढ़ गई थी,
तो शहर में पूरे शहर को कैमरे से कवर कराया जाए। ललित जोशी जी ऐसो थे, माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ गदरपुर में थाने में, और हमारी इस मांग को भी माननीय मंत्री जी ने माना और पूरा शहर और शहर के साथ साथ गुलाबर रोड मतलब जो नगर पालिका का सब कुछ साफ सुथरा उन्होंने कर रखा है गदरपुर के लिए। और भी बड़ी बात यह है कि अक्षय पात्र शुरू हो गया गदरपुर के अंदर, राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर गदरपुर में अक्षय पात्र योजना शुरू गई है, जिसमें 20 से 30 हज़ार लोगों का बच्चों का खाना प्रतिदिन और एवन कंडीशन का खाना प्रतिदिन बन के जाता है। समय समय पर लगने वाले जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय अरविंद पांडे जी ने जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। उनके त्वरित समाधान ही हैं जो जनता को सहज कर देते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जहां एक ओर सिलेंडर और गैस स्टोव ने महिलाओं को धुएं से आजादी दी, तो वहीं दूसरी ओर माननीय अरविंद पांडे जी ने लड़कियों को कंप्यूटर की तकनीक शिक्षा का उपहार देकर उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का हौसला दिया। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं इस क्षेत्र को कभी विकास से अछूता नहीं रहने दूंगा। जो आप मुझे वोट डालते हैं, उस वोट की शपथ है मुझे कि गदरपुर क्षेत्र को जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, बरादरीवाद, हर इन चीजों से अलग उठाकर विकास के मापदंड में आगे बढ़ाना ही मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। आपके सम्मान को बढ़ाते हुए मैंने क्षेत्र का विकास किया है, और मैं आगे भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी आपके क्षेत्र के विकास के लिए और आपके सम्मान के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा और मैं वो हर काम करूंगा जिससे आपका सम्मान बढ़े और मेरे क्षेत्र का विकास हो। उत्तराखंड सनातन आस्था का केंद्र सदियों से रहा है। जनमानस की आस्था का सम्मान करते हुए माननीय अरविंद पांडे जी के प्रयासों से जगदीशपुर मंदिर का निर्माण कार्य हाल ही में पूर्ण हुआ, और परमपिता की अनुकंपा एवं मंत्री जी के प्रयासों से काली नगर में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद पांडे जी द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर बुद्ध बाजार के अंदर जो यह भव्य हॉल का शिलान्यास होने जा रहा है, यह हमारी शहर की हम सब लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी, जो कि माननीय पांडे जी के अथक प्रयासों द्वारा प्रशासन से स्वीकृत हुआ है, और हम इसके लिए माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के बहुत आभारी हैं। मैं समस्त अपनी कमेटी की तरफ से, अपने शहर की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। ये हमारे शहर की बहुत लंबे समय की मांग थी जो उनके अथक प्रयासों से आज पूर्ण हुई है, और हमें ये भव्य हॉल मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री होने के नाते माननीय अरविंद पांडे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व फैसले लिए, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु NCERT का पाठ्यक्रम पूरी तरह लागू करवाया, जिससे अमीर गरीब के बीच शिक्षा की असमानता ना रहे। राजनीति की प्रथम पंक्ति पंचायत के चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर गांवों को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने का बेमिसाल कार्य किया है, ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का समुचित लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 4 वर्ष से ज्यादा हुए, और इस 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री अरविंद पांडे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश का ये पहला प्रदेश ऐसा हुआ जहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक साथ NCERT लगाई गई, जिसका परिणाम हुआ कि जो सिलेबस बच्चों का 10-12 हज़ार रुपये में आता था वो 12-1500 रुपये में मिलने लगा। गरीब का बच्चा और करोड़पति का बच्चा एक ही किताब से पढ़ने लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, और शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा काम हो उसमें हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थी जो है
ऑल इंडिया जो कंपटीशन जितने भी होते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, मैनेजमेंट के हों, उसमें उनकी बराबर की भागीदारी हो, उसके लिए सरकार ने जो है CBSE से एफिलेटेड करके अपने लगभग 200 विद्यालय प्रयोग के रूप में शुरू किए हैं, और मैं समझता हूँ उसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा आएगा। हमारे बच्चे जो है CBSE बोर्ड के साथ में पढ़ने से और NCERT की किताब पढ़ने से पूरे देश के सारे कॉम्पिटिशन्स में जो है अपने आप की भागीदारी जो है वो अच्छी कर सकेंगे और अपना वो स्थान बना सकेंगे। उसमें पंचायती राज में भी पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ अभी तक जो है ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत जो है उसमें शिक्षा का कोई वो नहीं था, उसमें मिनिमम शिक्षा जो हाई स्कूल की तय की गई, जिसके कारण से ग्राम प्रधान, BDC मेंबर और जिला पंचायत सदस्य पढ़े लिखे आए, और उसमें साथ ही साथ जनसंख्या पर नियंत्रण हो इसके लिए भी तय किया गया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका भी बहुत अच्छा परिणाम निकल कर आया, और रिजल्ट के बाद अच्छे पढ़े लिखे ग्राम प्रधान, BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। पर्यटन उत्तराखंड की व्यावसायिक धुरी है। साहसिक पर्यटन हजारों परिवारों को रोजगार दे रहा है। गुलर भोज डैम में वाटर स्पोर्ट्स आज कई साहसिक खेल प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। इसके निर्माण, संचालन एवं रखरखाव में कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी की दूरदर्शिता स्पष्ट होती है। आज गुलर भोज डैम विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। पांडे जी ने, अरविंद पांडे जी माननीय मंत्री जी ने ये स्टार्ट किया है, और हम लोगों को वहाँ से इनविटेशन आया, और हम किसमें ये स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट किया है। इससे बहुत सारे बेनिफिट में हैं, जैसे सभी को पता है कि टीरी डैम बहुत फेमस है, एशिया का नंबर 2 का डैम है, और वहाँ पे रोज़गार स्टार्ट करने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। वैसे ये शुरुआत है, और यहाँ पे इस समय जो है माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये शुरुआत हुई है, और इसमें लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ पे हमारी भी टीम है, करीबन 25 से 30 लोगों की हमारी यहाँ पे टीम काम कर रही है। यहाँ पे इनडायरेक्टली कम से कम 500 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उनका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लोकल जनता की तरफ से भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है ये लोगों को स्वरोजगार का एक मौका दिया है। आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो पिछले 50 वर्षों से गुमनामी के अंधेरों में गायब थी। माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जो हमारा नव निर्मित पर्यटन स्थल है, जो आज विश्व के मानचित्र पे अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है, आज से पहले ये पर्यटन स्थल था बिल्कुल ही वीरान था, यहाँ पे कोई पर्यटक नहीं आते थे। लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने इसको जो है हमारे 13 जिलों और 13 डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, हम सब लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहाँ ये रोज़गार दिया है। क्योंकि पहले जब हम यहाँ के रहने वाले ही हैं, शुरुआत हमने यहीं से, हमारा बचपन बीत गया है, लेकिन ये जगह ऐसी वीरान थी, एक चरागाह के रूप में यूज होती थी। इसका प्रयोग जो है लोग बाहर बाहर से जानवर ला करके और इसका प्रयोग करते थे, यहाँ जानवर चुगाए जाते थे, कई जिलों से जानवर आते थे, और इस क्षेत्र को कोई जानता तक नहीं था। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे परिवार कई हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ मैंने भी अपना ये रोज़गार किया है छोटा सा, जिससे हमारे परिवार पल रहा है। आज हम अच्छी तरह से परिवार को संभाल पा रहे हैं, और हम कितना भी अगर माननीय मंत्री जी की तारीफ़ करें शिक्षा मंत्री जी की, तो बहुत कम है हमारे लिए। हमारे और भाइयों के भी कई रोज़गार जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे नीचे की तरफ भी कई लोगों ने रोज़गार कर रखा है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसे यहाँ पे हमारे लोग 200-250 रुपये की दिहाड़ी के पीछे खेतों में काम करने जाते थे, आज उन्हें कहीं खेतों में किसी मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, और मज़े से अपना 1,000-2,500 रुपये, 2,000-2,500 रुपये की दिहाड़ी लेकर करके यहाँ से घर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया रोज़गार, बहुत लोगों को रोज़गार मिला है। क्रिकेट में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों की अभिरुचि देखते हुए माननीय अरविंद पांडे जी के प्रयासों से BCCI ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को मान्यता दे दी है, जिससे अब हमारे प्रदेश के
प्रतिभावान क्रिकेटरों को अन्य राज्य बोर्डों की तरफ रुख करने को मजबूर ना होना पड़े। विश्वव्यापी महामारी कोरोना में फैली अफरा तफरी के बावजूद सरकार अधिकारियों पैरामेडिकल स्टाफ के साथ तारतम्य बिठाते हुए माननीय अरविंद पांडे जी ने सराहनीय कार्य किया, जिसने जनता का नेताजी के प्रति भरोसे को और दृढ़ किया। पिछले कोविड के दौरान हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने हमारे गांव में या हमारे शहर में सामाजिक तौर पर हमारी बहुत मदद, हमारी सब पूरे ग्राम सभा की हर सदस्य की काफ़ी मदद की। कई बार परिवार के सदस्य को पता नहीं लगता, वो शहर से जा रहा होता है, उसके बीच उनका कोई सदस्य है या उनके कोई कार्यकर्ता, वो उन्हें लेके हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो जितनी तारीफ की जाए इस पूरे कार्यकर्ताओं की, इनके जो आसपास के जो इनके सदस्य हैं, इनके मिलने वाले हैं, तो एक तरीके हर जगह ही पूरी मदद करते हैं, तो उनके लिए तो जितने भी शब्द बोले वो हमारे लिए कम है। माननीय मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी का हार्दिक मन से, दिल से, सभी ग्रामवासियों की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस महामारी में, जो विश्व भर में फैली हुई है कोविड की महामारी के दौर में भी, जो हमारा सहयोग किया ग्रामवासियों का, गांव में घर घर आके उन्होंने राशन वितरित किया, उन्होंने जो है जागरूकता अभियान भी निकाला है। हम ग्रामवासियों को, जो लोग कोविड में डर रहे थे, वैक्सीन लगाने के लिए डर रहे थे लोग, उसके लिए भी उन्होंने जागरूक किया है, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी ग्रामवासी हैं मेरे गांव के, सभी की ओर से मैं तहे दिल से माननीय अरविंद पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। नई उम्र के बच्चों को एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई बहनों, आप बताइए, जब इस प्रकार के कानून बनेंगे तो निश्चित ही जनसंख्या पे भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा। जब से देश आजाद हुआ तब से आपने देखा होगा कि बंगाली समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए जाति प्रमाण पत्र दिया जाता था। हमारे बंगाली भाई, इनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र पे लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तानी ओब्लिक बांग्लादेशी। निश्चित ही भाई बहनों, यह बहुत बड़ा कलंक था। कई सरकारें आई गई, कई लोग इसी समस्या के समाधान के नाम पे विधायक बन गए, लेकिन बंगाली समाज के माथे पे यह लगा हुआ कलंक किसी ने मिटाने का काम नहीं किया। लोगों को वोट लेना ध्यान था, लेकिन बंगाली समाज के माथे पे लगा कलंक ये मिटाना ये लोग भूल गए। आपके आशीर्वाद से, आपके इस बेटे ने, आपके भाई ने, हमने ईमानदारी से काम किया, जिसका प्रमाण है कि बंगाली समाज के माथे पे इतने साल से लगा हुआ यह कलंक हमारी सरकार ने धोने का काम किया। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे प्रस्ताव पे बड़ा मन दिखाते हुए बंगाली समाज के माथे पे लगा हुआ यह कलंक तत्काल धोने का काम किया। आज हमारे बंगाली बंधु, माताएं, बहन, बच्चे, उनके अंदर उत्साह है, खुशी है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर यह कलम हमारे माथे पर लगा था, किसी पार्टी ने, किसी विधायक सांसद ने इसको मिटाने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। आप सबके आशीर्वाद से इसे कलंक को मिटाने का भी भगवान ने हमको अवसर दिया और हमने मिटाया। मैं इसके लिए आप समस्त क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं इस क्षेत्र के विधायक श्री अरविंद पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विशेष ऐसा काम किया जो बंगाली समुदाय के, जैसे पहले लिखा जाता था जाति प्रमाण पत्र में पश्चिम पाकिस्तान, उनके प्रयासों से मतलब ये चीज़ हटाया गया। मैं पूरी बस्ती गुलर बोस नगर पंचायत की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ ऐसे क्षेत्र विधायक जिन्होंने प्रयासों से अपने इस गुलाबपुर नगर पंचायत में 309 मकान यहाँ आवंटित किए गए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बस्ती की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से,
कि ऐसे मंत्री ऐसे विधायक हमारे बीच में कार्यरत है और मैं उनको कितने काम दिखाऊं। ये उज्ज्वला गैस भी है, उन्होंने ये वितरित किया और समय समय पर इस गरीबों के बीच आके इनकी मदद करते हैं। बहुत किसी समय पर उनको बुला लो उसी समय हाजिर हो जाते हैं। ऐसा बंदा शायद हमारे इस क्षेत्र में कोई भी विधायक बन भी नहीं सकता, ना भी हो सकते हैं कभी भी। ये देखिए इस बस्ती में जितने गरीब बस्ती ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी एक ईंट नहीं लगा सकते थे, उनके प्रयासों से सभी पूरे गांव में मकान मकानी हो गए। तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं और खुश है, बहुत खुश है कि ऐसा मंत्री आगे भी 2022 में हम उनको ही ये मंत्री बनाना चाहते हैं। यही प्रयास है हम लोगों का। आपके आशीर्वाद एवं समर्थन के आकांक्षी माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी आपके स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपकी सेवा एवं उसके लिए सतत प्रयासरत रहना मेरा सौभाग्य है। अरविंद पांडे।